नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दिल्ली में कनेक्टिंग विद द महाभारत पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि महाभारत जीवन जीने की विद्या है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कुछ कहा। जीवन के इस संघर्ष में चलते चलते अपने मन में भी खटास आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शत्रुता आ जाती है, हो सकता है मनुष्य है हम, तो उससे निवृत्त होने के लिए भागवत पढ़ो, ऐसी वो श्रृंखला है। महाभारत ये जीवन विद्या है, और ये एक व्यक्ति के जीवन की केवल बात नहीं है, समाज जीवन कैसे चलता है, पूरा शांति पर्व उसमें राष्ट्र को कैसे चलाना, किसके किसके क्या कर्तव्य होते, सारा विवरण है, शास्त्र है पूरा। और मनुष्य समूह ने सृष्टि के साथ कैसे रहना, ऐसा एक समग्र जीवन का बोध ये नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होते हैं, ऐसा युद्ध होता है, ऐसा संवार होना पड़ता है। तो ये सब, ये जो बात है कि मनुष्य भी जिए वो अच्छा होकर जिए, वो ऐसा जिए कि सारी दुनिया को अच्छा बनाए, दुनिया जैसी है उसमें से जाकर उस दुनिया को अच्छा बनाते हुए वो चले, और मानवता ऐसी चले तो सृष्टि का भी विकास ही हो, कल्याण ही हो, उसकी हानि न हो। ये जीवन जीने का जो तत्व है उस तत्व को अपने यहाँ पर धर्म कहा गया। दिव्यांगों के लिए वरदान बना वात्सल्य ग्राम स्थित वैशिष्ट्य स्कूल। आत्मनिर्भर बनने के साथ ही यहां के दिव्यांग बच्चे बढ़ा रहे देश का मान। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में दीदी माँ साध्वी रितंभरा द्वारा संचालित वात्सल्य ग्राम स्थित वैशिष्ट्यम दिव्यांग स्कूल इन दिनों चर्चा में है। स्कूल में दिव्यांग छात्र छात्राओं को औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ साथ गीत गायन और नृत्य के साथ ही स्वयं को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि स्कूल के 10 दिव्यांग छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के बल पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। वहीं यहां प्रशिक्षण ले चुके छात्र आज कई जानी मानी कंपनियों में भी कार्यरत हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने किया बड़ा खुलासा। कहा कागजों पर चल रहे थे 2500 से अधिक मदरसे, सर्वे शुरू होते ही हुए गायब। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सर्वे के शुरू होते ही राज्य से 2500 से अधिक मदरसे गायब हो गए हैं, जो सर्वे से पहले केवल कागजों पर चल रहे थे। इन मदरसों के नाम पर आने वाला चंदा और जकात का पैसा अब तक गलत लोगों की जेबों में जा रहा था। तथ्य सामने आने के बाद अब सबको समझ में आने लगा है कि मदरसे के नाम पर झूठ का गोरख धंधा करने वाले लोग ही सर्वे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदले गए कई स्थानों के नाम। बर्लिंगटन चौराहा अब जाना जाएगा अशोक सिंघल चौराहे के नाम से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। नए नामकरण के बाद बर्लिंगटन चौराहा अब अशोक सिंघल चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सर्वोदय नगर में द्वार का नामकरण विनायक दामोदर सावरकर द्वार होगा। सिकंदराबाद चौराहे का नामकरण वीरांगना उदा देवी चौराहा। विरामखंड राम भवन चौराहा अब अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा। संजय गांधीपुरम चौराहा अब चंद्रशेखर आजाद चौराहे के रूप में जाना जाएगा। इस सूची में अन्य कई चौराहों और पार्कों के नाम भी शामिल हैं। केरल में संघ स्वयंसेवक श्रीनिवासन की हत्या में शामिल पीएफआई सदस्य अबुबकर गिरफ्तार। केरल पुलिस ने संघ स्वयंसेवक श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पलक्कड़ जिला सचिव अबुबकर सिद्दीक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीएफआई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई और नेताओं की सूची तैयार करने में शामिल था, जिनको निशाना बनाया जा सकता था। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को श्रीनिवासन नाम के संघ स्वयंसेवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस पीएफआई से जुड़े 13 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर।
यूपी के आजमगढ़ में ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पैसे का लालच देकर करवा रहे थे मतांतरण। ग्रेटर नोएडा के सभी सामुदायिक केंद्रों में लगाया जाएगा हेल्थ एटीएम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य जांच कराने में होगी सुविधा। वाराणसी में बन रहा यूपी का पहला पशु शवदाह गृह, राख से बनी खाद खेतों में आएगी काम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बनवाई अस्थायी आइसोलेटेड गौशाला, लंपी वायरस से ग्रस्त गायों का इस गौशाला में होगा उपचार। यूपी के गोरखपुर में 1071 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको, बॉटलिंग प्लांट के लिए एक सप्ताह में आवंटित होगी जमीन, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।